हिसाब से बनाना है। आप सेम टू सेम लिखिएगा या थोड़ा सा अलग करके लिखिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि प्रोजेक्ट थोड़े से आपके खोज भी इनके ऊपर डिपेंड करता है। प्रोजेक्ट ऑन सिक्किम में मैथ्स, ठीक है, सबसे पहले नाम, क्लास, रोल नंबर, सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट में आपकी बार मैथ, ठीक है, मैंने गणित हिंदी में लिख दिया है, और सब्जेक्ट टीचर का नाम यहाँ पे लिख देना है। ये पहले आपका पहला पेज हो जाएगा, ठीक, इंट्रोडक्शन वाला। इस पे पेज लिखना चाहे नहीं लिखना, और यहाँ पे नीचे अगर आप इंडेक्स बनाना चाहते तो इंडेक्स भी बना सकते हैं, ठीक। और मैंने ये कुछ पेज लिखे हैं इसके ऊपर, दिखाता हूँ। सबसे पहले पेज नंबर ये एक, ठीक है, दो, तीन, चार, पांच, बस पांच, ठीक है, ये पांच पेज का आपका है, ठीक है। इसे बनाना है तो किस प्रकार बनाएंगे इसे देखते हैं। सबसे पहले आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, जो आपने पिछली बार सिक्किम प्रोजेक्ट में लिखा था उसी हिसाब से सिक्किम प्रोजेक्ट यहाँ पे गणित लिख लेना। तो जिस प्रकार से ये लिखा है इस प्रकार से आपको भी लिख देना है। भारत के पूर्वोत्तर भाग में स्थित एक पर्वतीय राज्य है, अनूठे के आकार का यह राज्य पश्चिमी से नेपाल, उत्तर तथा भारत पूर्व में चीनी तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र तथा दक्षिण पूर्व में भूटान से लगा हुआ है। भारत का पश्चिम बंगाल राज्य इसके दक्षिण में है, ठीक है, दक्षिण में है। अंग्रेजी गोरखा, खास भाषा लेपचा, भूटिया, लिम्बू तथा हिंदी आधिकारिक भाषाएं हैं। सिक्किम की जनसंख्या भारत के सबसे न्यूनतम, बहुत कम मतलब, तथा क्षेत्रफल गोवा के पश्चात न्यूनतम है। अपने छोटे आकार के बावजूद सिक्किम भौगोलिक दृष्टि से काफी विविधतापूर्ण है। कंचनजंगा दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा चोटी है। ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको इसके बारे में लिख देना है, ठीक है। तो इसके बाद कुछ टॉपिक मैंने बनाए हैं। इस प्रकार आपको इंडेक्स बनाना तो इस प्रकार से इंडेक्स बना सकते हैं आपका, ठीक है, इस प्रकार से आप इंडेक्स बना सकते हैं। थोड़ा सा चेंज, इस प्रकार से इंडेक्स, ठीक है। और यहाँ पे आप पेज नंबर PAGE पेज भी लिख सकते हैं, ये आपका, ठीक है, पेज कौन सा होगा, ये आपका पहला पेज, ये दूसरे पेज पे होगा, ठीक है, ये आपका तीसरे पेज पे होगा। इस प्रकार से आप पेज नंबर भी लिख के इसे बना सकते हैं। तो आपके पांच टॉपिक लिखे मैंने, सिक्किम की जनसंख्या धर्मानुसार, सिक्किम जनसंख्या तथ्य, जिले के अनुसार जनसंख्या, सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला तथा सबसे अधिक लिंगानुपात वाला वाले जिले। तो ये सब पता है मैथ में होता क्या है, मैं आपको दिखाऊं तो मैथ की जो आपके बुक है सांख्यिकी से है, तो इसी प्रकार से जो प्रोजेक्ट है आपको इसी हिसाब से दिया जाता था कि आप ये बनाए। इस पर का अगर आप देखेंगे इसमें इस प्रकार से आंकड़े होते थे, उसे आपको ग्राफ में बनाना पड़ता था, ठीक है, टैली बारंबारता थी आपकी, ठीक है। और कुछ ग्राफ भी होते हैं इसमें, अगर आप ग्राफ दिखाऊं, देखो ये इस प्रकार से बनाने की कोशिश करवा रहे हैं कि आप इस प्रकार से बना सकते हैं, लंब पाई चार्ट इस प्रकार से बना सकते हैं, ठीक है, या इस प्रकार से बना सकते हैं। तो जो मैथ का प्रोजेक्ट है कंफ्यूजन भरा नहीं होता, जो सांख्यिकी से होता है आपको उसी प्रकार से बनाना होता है, ठीक है। तो आप ये अलग अलग हिसाब से बना सकते हैं, किस प्रकार से, तो इस प्रकार से बना सकते हैं, लेकिन मैंने इसे चार्ट में बना रखा है, ठीक है, ये लंब दंड आकार में बना रखा है, लेकिन मैंने बस इसे चार्ट में बना रखा है। आप देखेंगे तो किस प्रकार से, तो ये मैं आपको इस वजह से दिखाया, थोड़ा सा आप इसमें भी अलग से कुछ ऐड कर सकते हैं। तो पहले पेज, तो इसके अनुसार हम दूसरा पेज खोलते हैं, ठीक है, ये पेज आपका हो गया, ये हो गया आपका। अब दूसरे पेज पे आते हैं, ठीक है, दूसरा पेज यहाँ पे लिखा गया है आपका। यहाँ पे आप कुछ और लिख सकते हैं सिक्किम की आबादी के बारे में, मैंने यहाँ पे छोड़ दिया, ठीक है। इतने जगह पे आप को सिक्किम के बारे में अगर अलग से लिखना है तो लिख सकते हैं धर्मानुसार के लिए, ठीक है, लिखना चाहते तो लिख भी सकते हैं, अगर नहीं लिखना चाहते तो आपका जो मैथ के हिसाब से वो ये है आपका, ठीक है, सिक्किम की आबादी धर्म के अनुसार विवरण, ठीक है। धर्म यहाँ पे लिखेंगे, धर्म में हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन और घोषित अन्य, ठीक है। और दूसरे लाइन में जनसंख्या, ठीक है, और प्रतिशत, फिर 2020 की अनुमानित जनसंख्या लेटेस्ट है, ठीक है आपकी। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, इस प्रकार से भी अगर आप बनाते हैं तो ठीक है, अगर आप डंडालेख बनाते हैं तब भी ठीक है आपका। तो आपको निर्भर करता है कि आपको किस प्रकार से सहूलियत है। ये आपका जो प्रोजेक्ट मैं दिखा रहा हूँ बस आपके लिए एक आइडिया जनरेट करता है कि आपको जो मैथ का प्रोजेक्ट है किस प्रकार से बनाना है सिक्किम के ऊपर। तो ये पेज नंबर दो आपके यहाँ पे समाप्त हो जाता है। चलते पेज नंबर तीन पर, ठीक है, पेज नंबर तीन पर अब यहाँ पे फिर यहाँ पे जगह छोड़ दी गई है, ठीक है। अगर आपको इसके बारे में कुछ लिखना है, मैंने जगह जानबूझ के छोड़ रखी है ताकि आप भी, प्रोजेक्ट है इसका मतलब आप भी कुछ भी एक्स्ट्रा करिकुलम करें, प्रोजेक्ट का यही मतलब होता है, छानबीन करें तो कुछ लिखें। लेकिन फिर तक कुछ हद तक मैं आपको आइडिया देने के लिए मैंने नीचे ये चार्ट नेट से ही उठाया, मैंने भी सब कुछ ये नेट पे से लिया है कुछ, ठीक है। सिक्किम जनसंख्या तथ्य, ठीक है, ये आपका देखोगे तो अगर मैं दिखाऊं दोनों में डिफरेंट है, सिक्किम की आबादी था और ये सिक्किम जनसंख्या तथ्य। तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला, सबसे कम जनसंख्या वाला जिला, ठीक है, इस प्रकार से यहां लिखा गया है, ठीक ठीक।
अब इसी को, अब यहां तक हो गया आपका तीसरा पेज, ये तीसरा पेज यहां पे आपका समाप्त हो जाता है। अब चलते हैं चौथे पेज पर, ठीक है, पेज नंबर 4, सबसे अधिक जनसंख्या वाले जिले, ठीक है, इस प्रकार से आप इसे बना सकते हैं, ठीक है, इसे वीडियो को रोक के यहां से आसानी से बना सकते हैं, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक। और इसके नीचे जो दिया गया सबसे अधिक साक्षरता वाले जिले, ठीक है, इस प्रकार से इसे बना सकते हैं आप। अगर आपको दंड आलेख बनाना है तो उस प्रकार से बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ये बस आपको मैं आइडिया बता रहा हूं, और मैंने आपको किताब भी दिखा दी, ठीक है। ये पेज नंबर 4 यहां पे आपका समाप्त हो जाता है। पेज नंबर 5, और ये अंतिम पेज पे आते हैं, पेज नंबर 5, ठीक है, सबसे अधिक लिंग अनुपात वाले जिले, ठीक है, ब्लर हो रहा है, एक बार देख लेता हूं मैं, ठीक है, तो इस प्रकार से बनाना है, सबसे अधिक लिंग अनुपात वाले जिले, ठीक है, और सबसे कम लिंग अनुपात वाले जिले, इस प्रकार से इसे लिख देना है, ठीक है, बहुत ही आसान है, आप रोक के वीडियो को भी आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है, इस प्रकार से, उम्मीद है चीजें आपको समझ में आई होगी। वैसे बीसी क्लास इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपका कुछ हेल्प हुआ तो वीडियो को लाइक करिए, लाइक करने से होता है बहुत सारे बच्चों को पता चलता है कि नहीं वीडियो अच्छी है, तभी बच्चों ने लाइक की है, तो लाइक करते तो हमें मोटिवेट भी मिलता है। तो वैसे बीसी क्लास इस वीडियो को लाइक करते हुए आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।